डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ की आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 8, जिसके 5 वीडियोस आप देख चुके हैं और जिसका नेम है हाउ वी गेट अवर फूड। इसमें आपको बताया था मैंने कि हमारा फूड जो हम खाते हैं, इसके स्पाइसेस, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम तक कैसे पहुँचता है। और ये चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट हो गया था और आज बारी है इसके एक्सरसाइज की। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको टिक लगाओ और फिर उसको ब्लैंक में फिल कर दो। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम ब्लैंक, ज़्यादातर फूड यानी खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से, प्लांट से, एयर से या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है प्लांट से, बी। और इसका आंसर ब्लैंक में फिल भी करना है, प्लांट्स। नंबर टू, वीट इज़ ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड यूज्ड टू मेक, यानी वीट यानी गेहूं को पीस के आटा बना के क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चॉकलेट या ब्रेड या टॉफ़ी या पिज़्ज़ा? तो आंसर है ब्रेड, ओके। नंबर थ्री, फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर ब्लैक फ्रूट्स, सॉरी ब्लैंक फ्रूट्स। मैंगोज, बनानाज, पपायाज कैसे फ्रूट हैं? साइट्रस है, यानी उसमें साइट एसिड होता है, या फिर फ्लैशी है या नट है या नन ऑफ देम? तो वो है फ्लैशी, आंसर है इसका भी बी। नंबर फोर, द फूड सर्व्ड एट अ लंगर इज प्योरली, यानी लंगर में जो खाना मिलता है, जो सिख के गुरुद्वारे में मिलता है, वो पूरा कैसा होता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या दोनों तरीके का होता है या किसी भी तरह का नहीं होता? तो आंसर है वेजिटेरियन, यानी ए। नंबर फाइव, मिड डे मील वॉज स्टार्टेड बाय द, मिड डे मील किसने स्टार्ट की थी? तो इसका आंसर है इंडियन गवर्नमेंट, यानी बी, ओके। तो ये सारे आपको टिक लगाने हैं और ब्लैंक में फिल भी करने हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए क्या क्या हैं। ओकेजन, ब्लू बॉक्स देखिए आप, ओकेजन यानी अवसर, सीड्स यानी बीज, डिजीज यानी बीमारियाँ, फार्मर्स यानी किसान, मिड डे यानी दोपहर। फूड हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट, यानी खाना हमें हेल्दी रखता है और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, बीमारियों की, है ना? तो डी आई एस ई ए एस ई, ये वाला फर्स्ट का है। नंबर टू, सीरियल्स आर द ब्लैंक ऑफ सम प्लांट्स दैट गिव अस फूड ग्रेन्स, तो इसका आंसर है सीड्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स, इनको सबको कौन उगाता है, फार्मर। फूड फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्पेशल ओकेजन, चिल्ड्रन लर्न टू शेयर फूड एंड ईट टुगेदर इन ब्लैंक मील, तो मिड डे मील, ओके। ये आपको ब्लैंक में फिल करने हैं। नंबर सी एक्सरसाइज है, इसमें है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो सही लगे उस पर टी और जो रॉन्ग है उस पर फॉल्स लगाइए। फूड कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, खाना हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है, तो ट्रू। नंबर टू, ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज यूज्ड एज फूड, क्या पार्ट, सॉरी प्लांट के सारे पार्ट खाने में यूज होते हैं, तो नो, फॉल्स। राइस एंड व्हीट कैन बी ईटन रॉ, चावल और गेहूं को कच्चा खा सकते हैं, तो नो, फॉल्स। वी ईट फूड विथ आवर फैमिली एवरी डे, क्या हमारी फैमिली के साथ खाना हम रोज़ खाते हैं, तो हाँ वैसे तो खाते ही हैं, तो ट्रू, कभी कभी अगर कहीं बाहर है तो नहीं खाते। वी शुड नॉट इनकरेज द चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, हमें बच्चों को स्कूल लाने में मदद नहीं करनी चाहिए, उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो फॉल्स, क्योंकि मदद तो करनी ही चाहिए, है ना? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज ए बी एंड सी। अब मैंने आपको, सॉरी आपके लिए, इनको अपनी बुक में फिल करके रखा है ताकि आप वहाँ से देख के अपनी बुक में फिल कर सके और आपको पता भी चल जाए कि कौन सा कैसे करना है। ये देखिए, ए एक्सरसाइज को मैंने ऐसे फिल किया, टिक भी लगा दिया और मैंने ब्लैंक में फिल भी कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है बिल्कुल, वो भी अच्छी राइटिंग में और पेंसिल से। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके। और ये देखिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, इनको भी आपको करना है। और आपका आज का होमवर्क भी यही है, एक तो आपको ये बुक में अपना फुल सारी पूरा फिल करना है और इसको 2 या 3 बार देख के पूरी एक्सरसाइज ए बी सी, आप चाहो तो बुक में देख के लर्न कर सकते हो, चाहो तो फ़ोन में, अच्छा होगा बुक में देख के करो, क्योंकि बुक में भरने की बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पढ़ते पढ़ते कीजिएगा तो लंबी हो जाएगा, ओके। थैंक यू।